और इस बीच झाबुआ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि काली देवी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि 500 के नकली नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से पूछताछ में 500 के नकली नोट बनाने की जो है बात सामने आई है। और आपको बता दें कि 37,000 के नकली नोट, प्रिंटर, कटर सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कार्यवाही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 500 के नकली नोट के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। खाचरोद पुलिस ने जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कामयाबी हासिल की है, लेकिन दो युवकों की हत्या के आरोपी को खाचरोद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खाचरोद शहर के नागदा रोड स्थित जैन मंदिर में 12 दिसंबर को रात में जैन मंदिर का यहां पर ताला तोड़कर मंदिर से अष्टधातु की प्रतिमा, अष्टधातु का चक्र और साथ ही दानपेटी से नकदी और साथ ही मंदिर में लगे CCTV कैमरे के दीवार पर अज्ञात बदमाशों और चोरों ने यहाँ पर हाथ साफ कर दिया था। खाचरोद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर टीम गठित कर जांच शुरू की थी और वहीं पुलिस ने आज आरोपियों को गिरफ्तार कर अष्टधातु की प्रतिमा और साथ ही चक्र बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस और साथी दबंगों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि यहां पर जो है चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबंगों को रुकने का इशारा किया था, जहां पर पुलिस को देखकर दबंगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने भी दबंगों पर जवाबी फायरिंग की और जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे और साथ ही पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिल, एक 12 बोर जो है तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कल सुबह की बात है, भैंसा मंडी है उस क्षेत्र के गांव में गश्त कर रहे थे, ग्रामीण लोग कर रहे थे, पुलिस भी थी और इसी बीच कुछ लोग ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल से आते दिखे, तो जब ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश किया तो उसमें से एक ने